अच्छी बात है ना, फिर अनहेल्दी काम। मम्मी इसकी वीडियो मत बनाओ, छोटी सी बना लेते हैं ना, ये की बना रहे हैं हम लोग, बच्चों ने बाहर से मंगवाया है ये। केचप भी पड़ी है मम्मी। बेटे बच्चों ने मंगवाया पिज्जा 120 का, जिनका मन कर आया। मैं कहा चल कोई नहीं मंगवा ले, कल पता कल मैं तो कल दुकान खुली होगी, मैं थोड़ा सा मंडे है, मंडे है, खुली होगी ब्रेड वाली। पिज्जे का नाम फार्म हाउस है। क्या है? फार्म हाउस। फार्म हाउस कंपनी का नाम है। कंपनी का नाम पिज्जा, नॉर्मल पिज्जा है, जैसे नॉर्मल पिज्जा। ठीक है, स्वाति काट रही है। इसमें डाला है प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और मशरूम डाली है ना। हाँ जी हाँ। और सबसे ज्यादा तो चीज ही दिख रहा है, बोली पापा के लिए चीज सही नहीं है वैसे। मैं तो नहीं, पर तुमने मंगा लिया है तो खा खाएंगे। आपको छोटा वाला पीस देंगे। चल दे दो उसको छोटा ही। पापा बेचारे कब से कम खाते हैं। तो आज चीज आपके लिए सही भी नहीं है ना। क्या करें, मैं खाती हूं। आप अपने बॉल से उनसे बिल्कुल भी सही नहीं। पापा के लिए दे दो। रुक रुक रुक। व्यूअर्स कैसे हो आप? आज है 6 तारीख, टाइम हो रहा है 2:45 हो रहे हैं। मैं पता क्या कर रही थी, एप्पल काटने लगी थी, थोड़ी थोड़ी भूख सबको लग रही है, तो मैंने कहा एप्पल काट के दे देती हूँ। और ये मैंने आलू धो के रख लिए, ये मैं तड़का ही काट रही थी। मूली रखी हुई है ना, कल मैंने हरे पत्ते काटे थे ना मूली के, तो मैं सोच रही आलू मूली की सब्जी बना लेते हैं। बच्चे भी कह रहे हैं मूली के पराठे खा खा के रोज दुखी हो गए, मतलब कि कभी आलू के तो कभी किसी के। मैं कहा था मैं मूली के पराठे बनाती हूँ, मान ही नहीं रहे, कह रहे नहीं पराठे नहीं खाने, हमने सब्जी के साथ खानी है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मूली के और आलू मूली और उसके पत्तों की सब्जी बना लेती हूँ और एप्पल भी काट लेती हूँ। और इसके अलावा ये देखिए खीरे वीरे कल धो के बाहर रखवा दिए थे मैंने, अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ। एक बड़ी मूली रखी है, कल परसों में मैं मूली के पराठे बनाऊँगी। अभी खीरे जो है ना फ्रिज में टिका देती हूँ पहले मैं, उसके बाद जो है आगे फिर मैं एप्पल काटूँगी। ठीक है, चलिए तड़का लगाएं भाई। ले लो नमकदानी मेरे हाथ में, गैस जला रखी है, घी डाल दी है। सबसे पहले मैं क्या डालूंगी, क्या डालूं, मसाले पहले डाल देती हूँ। सबसे पहले हल्दी, क्योंकि जीरा हर चीज़ में डालना जरूरी नहीं है, इसमें जीरा तो डाल लो थोड़ा सा। चलो इतना सा डाल लेती हूँ, इसमें आदत पड़ी हुई हर चीज़ में जीरा डाल देंगे चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब हम डाल लेते हैं थोड़ी सी हल्दी इसमें। ठीक है, 2-3 चम्मच छोटे वाले घी डाला है मैंने। उसके बाद मैं नमक भी डाल लेती हूँ, मसाले साथ ही भुन जाते हैं ना, सही रहते हैं, कम हुआ तो बाद में डल जाएगी। और मिर्ची तो मैं बहुत ही कम डालूंगी, इतनी थोड़ी सी, क्योंकि मिर्ची का तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। हरा धनिया सूखा वाला 1/2 चम्मच, गरम मसाला भी नहीं डालने की जरूरत, बाद में सोच लेंगे। हाँ, ये मैंने ये पराठा मसाला जरूर डालती हूँ, ये ना थोड़ा करारा सा है, मतलब इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। चलो मसाले मेरे सारे डल गए, कड़छी ले लेती हूँ, ले ली, हिला लेते हैं इसको। मसाला बस भुनने की दे रहे हैं, ये लो मसाला, मैं स्लो कर लेते हैं। फटाफट टमाटर, ये प्याज और टमाटर डाल लेते हैं, भूल के बस इनको थोड़ा सा भूनना है। 1 सीटी में हो जाने, 1-2 सीटी में, उसके बाद नाटा पुटक नाटा भून लेंगे। ठीक है, उसके बाद कच्ची चला लो, फिर काटते हैं कोई बात। चलिए जी, ये हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कल जो है ना मैंने राजमा बनाए थे ना, वो इतने स्वाद बने थे, तो देखिए सबने बाद में रूखे भी खा लिए थे, मतलब खाए चावल के बाद, इतने से बच्चे रह गए थे। अब ये बच्चों ने अभी ख़त्म कर दे रहे हैं, इतने से हैं बस, इतने से। ठीक है, इतने स्वाद है ना, अभी ये बच्चे मूली की जो मूली की सब्जी नहीं खाएगा उसको मैं ये राजमा दे दूँगी, राजमा के साथ रोटी खा लेंगे। ठीक है, राजमा इनके फेवरेट। आज रात को क्या सब्जी बनानी है मैंने सोचा नहीं, चलो इसको कट मार लेते हैं। हाँ, आपकी क्या सब्जी बनानी सोची नहीं, अभी देखते हैं क्या बनाती हूँ। चलो पहले तड़का लगा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। चलो जी, एप्पल काट रही हूँ पहले, तो पहला स्टार्टिंग करेंगे एप्पल से, बड़ा वाला पहले काट रही। बड़ा कौन सा मुझे समझ नहीं आ रहा है दोनों में से, चलो जो भी है। ठीक है, सारे आधा एप्पल खा लेते हैं पहले, चाय वाय तो हम पी चुके हैं, चाय के साथ चीज़ें जो खाने खा चुके हैं। बर्तन सारे धुल गए, आज पता कपड़े धोने हैं बहुत सारे, 2-3 दिन के कपड़े जमा हो गए, तो आज सोच रहे कपड़े भी धुलेंगे और अभी थोड़ी देर में झाड़ू पोछा भी करेंगे। आधे घर में झाड़ू तो लग गया, वैसे कंधा ने लगा दिया, वो पता है डस्टिंग कर रही है अभी। ठीक है, बीच वाले कमरे में डस्टिंग कर रही है और सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया हमने, किसी ना किसी को आना है आज, इसलिए हम पहले रेडी रह रहे।
तो आज तक दो फोन आए सरकारी जो हमारे बारे में सारा पता लगा रहे थे, मतलब इसके पापा के बारे में, हमारे बारे में, इधर में कौन कौन है। तो दो सरकारी फोन आए, एक फोन आया जो हमारे घर के पास डिस्पेंसरी वहाँ से आया, वो भी कह रहे थे कि हम आपके घर आएंगे और ऑक्सीमीटर जो होता है वो देके जाएंगे और मेडिसिन भी देकर जाएंगे पापा के लिए, ठीक है, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए, ठीक है। वो कहते पकड़ इनको लेके जाएंगे, हमने कहा हम तो नहीं ले जाने देंगे, जो सरकारी इनके वो होते हैं ना क्वारंटाइन वाले सेंटर वहाँ। मैंने कहा नहीं, इनको तो नहीं ले जाने देंगे क्योंकि तो ठीक है बिल्कुल, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो अभी तो आए नहीं वो, हम वेट कर रहे हैं, अभी आएंगे देखेंगे। वो कह रहे कि वो जो तुम्हारी रिपोर्ट आई है ना उसकी कॉपी लेकर आओ। हमने पहले उसको मोबाइल पे लिया था, और जो रिपोर्ट थी मैं मोबाइल पे मिली थी, आज हॉस्पिटल जाके उसकी कॉपी लेकर आनी है और उनसे लिखवा के भी लाना पड़ेगा। ये ठीक है घर में रह सकते हैं, बड़े है ही ठीक है बिल्कुल, वो तो घर के सारे काम कर रहे हैं आराम से, सुबह से लग जैसे उठे तब से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, चाय भी बना के सबको पिलाई, अब गर्म पानी के गरारे कर लिए उन्होंने, अपना ध्यान भी रख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, गर्म पानी के गरारे कर लिए। क्योंकि देखो ना घर में इंसान सही रहेगा, तो घर में देखो सबसे बातें बातें करता रहेगा, जो कभी उठ के कोई काम कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, है कि नहीं। और वहाँ जाके एक जगह बस बिस्तर पे पड़ जाएगा और लोगों को देख देख के और बीमार होता रहेगा, बात करने वाला भी कोई नहीं होगा और भी दिक्कत, सारे अनजान लोग होंगे और एक दूसरे की हालत ख़राब देखी तो और इंसान बीमार हो जाए, ठीक है। इससे अच्छा तो घर में ही अच्छा है, घर में सबसे मेम्बर से बात कर रहा है, अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी रहा है कि नहीं। और साथ में जो है मोबाइल भी अपना चला रहा है, जो भी बना रहा है कर रहा है, मतलब एक इंसान घर में आराम से घूम फिर रहा है वो ज़्यादा बेटर है, ना कि अस्पताल में बेड पे पड़ जाओ और दूसरों को देख देख के और बीमार होते रहो। ये अब तुम्हारा एप्पल कट गया, ले जाओ आके बच्चों, हैं एप्पल ले जाओ, और पापा का भी काट रही हूँ उसको भी दे, उनको भी दे देना। तो फिर ठीक है, हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए, काढ़ा वाड़ा भी पीना चाहिए, मैं आज बना के रखती हूँ। और आज झाड़ू पोछा भी करना है यार, काम तो बहुत सारे हैं, मुझे नहाना भी है थोड़ी देर में, सिर भी धोने वाला हो रहा है मेरा, और हमें टेस्ट कराने जाना था, पर बच्चे कह रहे हैं कल चलेंगे, आज ना बहुत सारे काम है, एक तो सारा पता लगाना है, दूसरा ये कि हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तीसरा फिर वो आज गैस पर मैंने बुक करी थी, छवा सुबह सुबह आ गई, कल ही बुक हुई, आज आ गई, सुबह सुबह ही आ गई, बस तो गैस की भी टेंशन ख़त्म ना, कि हम कहीं बाहर जाएँ पीछे से गैस आ जाए तो भी टेंशन ही रहती है। चलो मैं एप्पल काट रही हूँ, काट के फिर मैं सब्जी को लगाती हूँ तड़का, फिर हम खाएंगे रोटी, उसके बाद घर के काम करेंगे और क्या करना है। मैं ना आज है 8 तारीख 8 नवंबर, टाइम भागता जा रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं, टाइम समय सारा गुजर जाता है ऐसे ही। मेहंदी मेरी बिल्कुल हल्की हो गई, ये नीचे वाली गाड़ी है, ये देखिए ये गाड़ी। हेलो भैया, पुआ खा रही हूँ, पुआ अच्छा बनाया, अच्छा बनाया है, एकदम खिला खिला पुआ, ये देखिए खिला खिला पुआ, ठीक है। तो हुआ क्या, कहे 5 तारीख को, 5 तारीख को जाना था, रात को 11 बजे एडमिट कराने को, उनको लेके जाना था, पर शाम को जो रिपोर्ट आई इसमें पॉजिटिव आ गया कोरोना, तो काम हो गया ख़राब। उस समय थोड़ा सा हम लोग अपसेट भी हो गए, थोड़े परेशान भी हो गए कि हमारा बनता बनता काम रह गया था, सब कुछ सेटल था, तो चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। पर ठीक है, अभी तबीयत इनकी इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है। और वहाँ से 2 फोन आए थे, ये जो सरकार की तरफ से, मतलब सरकारी डॉक्टर्स वगैरह के कोई फ़ोन आए थे 2, तो उन्होंने कहा था कि मतलब उन्होंने सारा हमारे घर के में कितने मेंबर हैं सब ये पता वता लगाया था, मतलब सारा उन्होंने लिख लिया था क्या क्या मेंबर्स हैं कौन है। फिर क्या हुआ कि 5 को पता लगा, 6 को, फिर 6 की शाम को 4 बजे यहाँ जो घर के पास डिस्पेंसरी है यहाँ से ना एक डॉक्टर और एक वो आए थे, घर के नीचे ही आए, ऊपर नहीं आए, वो CNG का जो होता है ऑटो, उसमें आए थे 4 बजे के आसपास। तो उन्होंने आके ना इनको ना मेडिसिन दे दी, जो स्वाति जाके नीचे जाके ले आई थी। मेडिसिन में क्या किया था मैं बताती हूँ, उसमें एक जिंक की दवाई थी, लिक्विड था मतलब बॉटल में, और एक था खांसी की दवाई, एक पैरासीटामोल की गोलियाँ, और बाकी विटामिन ई की जो मेडिसिन थी वो थी गोलियाँ थी, बस यही थी। वो कहते अगर कोई दिक्कत हो जिन्हें हॉस्पिटल ले आना, पहले तो वो कह रही थी कि उम्र इनकी 60 साल है, इनको ना सीधा आप हॉस्पिटल ही ले जाओ, एडमिट करा रहे हैं। हमने कहा हम नहीं कराएंगे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे सारा दिन इंसान एक ही जगह पे बेड पे बंधा रहेगा और दूसरों को देख देख के और बीमार होता रहेगा, क्योंकि क्या कई अलग अलग तरह के पेशेंट होते हैं, अब उसमें कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है, तो ये सब देखेगा ना इंसान, तो मेंटली उस पर बहुत ही फर्क पड़ेगा।
इससे अच्छा तो घर में ही ठीक है, इंसान अपना एक घर में पूरा चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सही खाना खा, ठीक खाना खा रहे हैं, वो पेट भर गया, ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी खांसी आ जाती है तो मैं इनको कहती हूँ ना ध्यान रखो, मास्क लगा के रखो, बीच में हटा भी देते हैं मास्क, मैं कहती हूँ मास्क लगा के रखो और अपने जो हाथ है वो इधर उधर मत लगाओ, ज़्यादा धो लो उनको हाथों को अच्छे से। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल तो रखना पड़ता है, कई बार इन्हें डांटना भी पड़ता है क्योंकि थोड़ा ये लापरवाही बीच में हो जाते हैं, बच्चे जान देते हैं, मास्क लगा के रखो, हाथ धो, ये करो, तो बच्चे जान देते हैं। बाकी यह कि सबसे बातें बातें कर रहे हैं, खाना भी पेट भर के खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और साथ में ना वो ऑक्सीमीटर देकर गए थे, ऑक्सीमीटर जो होता है इतना सा होता है, ऐसे उंगली में लगा लेते हैं, फंसा लेते हैं चिमटी की तरह, उससे क्या होता है कि उसमें आपकी पल्स रेट भी आ जाती है जो कि 60 से 90 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है, कम हो तो फिर हॉस्पिटल जाओ। और ऑक्सीजन का जो लेवल है 93 से ऊपर होना चाहिए। तो हमने उस दिन सबने लगा के अपनी चेक करी, देखे कितना है, तो ठीक आया 93 से ऊपर ही था, कभी 90, किसी का 96 आया, किसी का 98 आया, किसी का 94 आया, सबका अलग अलग आया, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। मैं वही सोची थी कि दिन में ना दो बार लगा लिया करेंगे ऑक्सीमीटर, इनको मतलब इनको लगा लिया करेंगे, कहे एक बार दोपहर को लगा लिया या सुबह लगा लिया और एक बार रात को लगा लिया, कोई दिक्कत हुई 93 से नीचे जाए तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पर अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भगवान की दया से, सारे रूटीन वर्क हमारे वैसे ही चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मतलब इंसान पहले पहले जब ये कोरोना आया था ना तब हुआ क्या था, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, इतने ज़्यादा डर गए थे कि मतलब डर के मारे ही वो बेचारे उनकी हालत ख़राब हो रही थी, आसपास लोगों को देखते थे किसी को हो गया कोरोना, ये समाचार पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, उनसे वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट लोग हो रहे थे। इस समय ना हमारे घर में कोई इतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि सब इसको नॉर्मल ले रहे हैं, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, हल्का सा बुखार हो जाता है, इनको भी बीच में थोड़ा कुछ दिनों से हल्का बुखार चढ़ गया, कभी उतर गया हल्का हल्का, साथी को भी यही था, हल्का बुखार चढ़ गया, उतर गया खांसी, खांसी साथी को होती है अभी रात को, दिन में नहीं होती इतनी, और खांसी की दवाई आई गई इन्होंने हॉस्पिटल अपने उधर से भी ला दी थी और ऑफिस की डिस्पेंसरी से भी ला दी थी, और ये वाले भी देख कर गए हैं डिस्पेंसरी वाले, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो खा लेती है, हम उससे कहते हैं दवाई खा ले भाई। तो बाकी बस ये है कि काम सब चल रहे हैं नॉर्मल, जैसे रूटीन चलती है वही चल रही है सब। पर हाँ इनको मैं बाहर नहीं जाने देती, बहाने ढूंढते हैं बाहर जाने के, पर इनको बाहर जाना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो इनको बाहर नहीं जाने दे रहे। एक फॉर्म वो देकर गए थे, वो फॉर्म भर के उसकी हमने स्कैन कर उसको फोटो खींच के उनको भेज दिया, मतलब वो भी भर नहीं रहे थे ये, पर मैंने हमने ज़बरदस्ती भरवाया कि बाहर नहीं जाना है, अब बच्चे जान ले आते हैं सामान जो लाना होता है, बच्चे से मंगवा लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी स्वाति ने बनाई है, अच्छा बनाया इसने, टेस्टी है, खिला खिला बनाया, देखिए तो ये खा रही मैं। और उसके बाद जो है ना सब्जी बनाई है मैंने, अभी सब्जी बनाई मैंने, उसकी चार मेरे पास वो पड़े हुए थे, क्या कहते हैं, अरबी पड़ी थी, चार अरबियाँ पड़ी हुई थी कच्ची वाली, ठीक है, अब चार अरबी से क्या सब्जी बनाती मैं, तो मैंने सोचा कि उसमें आलू डाल लेती हूँ, फिर मैंने उसमें आलू डाले और पूरा तड़का लगा के सब्जी बना दी, गैस बंद कर दिया, बस ये खा के मैं रोटी बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, इसका भी टेस्ट चेंज, मुँह का टेस्ट चेंज हो जाता ना, हम ये खा लेते हैं, अच्छा बनाया इसने, चलो मैंने इसको इन्जॉय कर लेती हूँ, बाद में बात करूँगी आपसे। रात के खाने में पता मैं क्या सोच रही हूँ, घिया पड़ा है मेरे पास, तो बच्चों से पूछ ही आलू घिया बनाऊँ या वो बनाऊँ, क्या कहते हैं घिया के मतलब दाल घिया बनाऊँ, कह तो रहे दाल घिया, पर मैं सोच रही हूँ घिया के कोफ्ते बना लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे है। कल पता रात को चावल बनाए थे कनका, नमकीन चावल बनाए थे कनका ने, क्योंकि मैं थक गई थी, कुछ तो मुझे कपड़े भी धोने पड़े, कपूने धोना, कपड़े धोना, वो धोए मैंने रात को, उसके बाद मैं नहा लिया था, फिर भी धो लिया था, फिर मैं थक सी गई थी, तो उसके लिए फिर रात को बनाई उसने कनका ने नमकीन चावल बना लिए थे, सही बनाए थे। और परसों मैंने बनाए थे दाल चावल रात को, तो जी चावल बन ही जाते हैं, गलत बात है, तो आज मैं सोची हूँ कोफ्ते बना लेती हूँ, कोफ्तों को बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, ठीक है, तो कोफ्तों के साथ रोटी खाएंगे हम रात को। तो चलो अभी मैं काम कर लेती हूँ, पहले बाद में मिलते हैं, काम बहुत है घर के करने हो तो बहुत है, नहीं करने तो कोई भी काम नहीं है।
है।